हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द एनिमेबर्स के एक और वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑन द टॉपिक हेल्स पैराडाइज। तो हेल्स पैराडाइज का सीजन 1 कंक्लूड हो चुका है और इसका फाइनल एपिसोड सैटरडे को आ गया। हेल्स पैराडाइज के फर्स्ट सीजन में टोटल 13 एपिसोड्स है और अगर मुझसे पूछा जाए तो फिर मैं इस सीरीज को रेट करूंगा 9 out of 10। ओवरऑल अगर देखे तो फिर इसका एनिमेशन भी बहुत अच्छा था, मापा ने हमेशा के जैसे अच्छा काम किया है। उसकी स्टोरी भी बहुत अच्छी है और इसने सीजन 2 के लिए भी अच्छी खासी हाइप बना ली है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे जो हमने एंडिंग देखी थी फाइनल की जो 5 मिनट में, उसमें हमने क्या समझ में आता है और क्या पॉसिबल होगा सीजन 2 में। तो हेल्स पैराडाइज के फाइनल एपिसोड में हम ये देखते हैं कि यमदा सेमोन शियोन वो फाइनली टेंसेन को हरा देते हैं, और जो हमें अभी तक सेटअप कैसा किया जा रहा था कि वो शायद से इमोर्टल बींग्स है और उन्हें मारा नहीं जा सकता, बट उन्हें भी मारा जा सकता है ये हमें फाइनल एपिसोड में जरूर पता चलता है। ऑन द अदर साइड हमें ये पता चलता है कि गाबेमारू जब उठा है अपने बेहोश होने के बाद तो उसकी मेमोरीज चली गई है और उसे कुछ याद नहीं है। तो जैसे शियोन ने एक स्पेकुलेशन दिया था कि शायद से टैन के ओवर यूज होने की वजह से मेमोरीज भी जा सकती है, तो फिर वो प्रूव हो चुका है क्योंकि गाबेमारू की भी पूरी मेमोरी चली गई है और इसे बस इतना याद है कि मैं एक निंजा हूँ। टैन को अगर शॉर्ट में अगर एक्सप्लेन करना हो, अगर आपको नहीं समझ में आया, तो वो बेसिकली इतना ही है कि टैन बेसिकली एक प्रोटोटाइप है फॉर एलिक्सर ऑफ लाइफ, उसे लॉर्ड टेंसेन ने क्रिएट किया था और टाओ से उसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद, मतलब ह्यूमन से जो उनकी लाइफ सोर्स है उसे एक्सट्रैक्ट करके एलिक्सर ऑफ लाइफ बेसिकली वो क्रिएट करते हैं और उसको पीने के बाद उनके पास टैन आता है और टैन हर बींग के पास रहता है, बस उसे अवेकन करना पड़ता है एक टाइप से। बेसिकली ये बस टेंसेन के लिए लिमिटेड नहीं है, अगर कोई वॉरियर जिसने बहुत सालों से ट्रेनिंग करते आए इंटेंस ट्रेनिंग, वो भी टैन अचीव कर सकता है, बस उसे नोटिस करना हो रहता है और उसे धीरे धीरे करके और इम्प्रूव करना होता है। और अगर उनका टैन टेंसेन के लेवल का होगा तो फिर हम उन टेंसेन को डैमेज भी दे सकते हैं और किल भी कर सकते हैं, जैसे कि फाइनल एपिसोड में हमने देखा। आई एम श्योर कि अब शॉर्ट में आपको ये एक्सप्लेन हो चुका होगा, अगर नहीं समझा तो फिर कमेंट में जरूर पोस्ट करना, मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो भी बना सकता हूँ। तो अगर देखा जाए तो फिर इसके सीजन 2 के रिलेटेड भी हमें कुछ अपडेट किसी खास मिली नहीं, बस उन्होंने एक अनाउंसमेंट करी गई है कि सीजन 2 आने वाला है, बट उसके रिलीज डेट या फिर कुछ स्पेकुलेशन भी नहीं निकले। इसी के साथ सीजन 1 के एंड में जो सबसे बड़ा ट्विस्ट था वो था कि क्या गाबेमारू की वाइफ रियल में एग्जिस्ट करती है क्या फिर वो बस एक ड्रीम थी। तागिरी अभी फुल डाउट में है कि शायद से गाबेमारू की वाइफ रियल में है ही नहीं और उसके जो विलेज चीफ थे उन्होंने एक बस इल्यूजन क्रिएट किया था जिसकी वजह से वो गाबेमारू से काम करवा ले। और जो क्लोजिंग मोमेंट्स होते तब हमें पता चलता है कि और भी यमदास को भेजा जा रहा है ऑन द आइलैंड, क्योंकि उनके चेक करना है कि जो 3 दिन पहले जो चले गए थे वो कैसी हालत में। बेसिकली ये पावरफुल कितने हैं ये हमें पता नहीं, जब आएंगे तभी पता चलेगा सीजन 2 में। शायद से उसमें जो एक जन था जिसके ऊपर ज्यादा फोकस किया है उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है आने वाले सीजन में। पक्का अगर ओवरऑल देखा जाए तो फिर हेल्स पैराडाइज एक बहुत सक्सेसफुल एनिमे था और इसको जो रीच मिली है वो भी बहुत अच्छी है क्योंकि ऑडियंस ने भी इसे बहुत पसंद किया है और शायद से इसके 2 या 3 सीजन आएगी क्योंकि इसके मांगा तो फिनिश्ड है, बट कितने एपिसोड वो पर सीजन में एनिमेट किए वो अभी तक एग्जैक्ट नंबर मिला नहीं। शायद से अगर मिलेगा तो फिर मैं अगली वीडियो में बता ही दूंगा कि पोटेंशियली हेल्स पैराडाइज के कितने सीजन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपको ये सीरीज कितनी पसंद आई और आप कितना रेट कर गए जरूर बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूँ कि एक जनरल ऑडियंस पोल कितना आ रहा है। सो आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपको ऐसे सिमिलर कंटेंट के साथ। सी यू गाइस अंटिल लेटर। अरिगातो।